नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पेरिस ओलंपिक 2024 की आज की लेटेस्ट फाइनल मेडल टैली के बारे में बताने वाले हैं। इन 10 देशों ने टॉप 10 में अपना स्थान बरकरार रखा, वहीं भारत पेरिस ओलंपिक में इतने स्थान पर रहा। तो क्या है ओलंपिक 2024 का आज का फाइनल मेडल टेबल, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की आज की लेटेस्ट मेडल टैली पर। वहीं दोस्तों, नंबर 12 पर न्यूजीलैंड है, जो 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 18 मेडल जीत चुका है। उसके बाद नंबर 11 पर कनाडा है, जो 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 27 मेडल जीत चुका है। उसके बाद नंबर 10 पर इटली है, जो 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 39 मेडल जीत चुका है। उसके बाद नंबर 9 पर जर्मनी है, जो 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 30 मेडल जीत चुका है। उसके बाद नंबर 8 पर नीदरलैंड है, जो 13 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 32 मेडल जीत चुका है। वहीं नंबर 7 पर कोरिया है, जो 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 30 मेडल जीत चुका है। उसके बाद नंबर 6 पर ग्रेट ब्रिटेन आ गया, जो 14 गोल्ड, 22 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 63 मेडल जीत चुका है। वहीं नंबर 5 पर फ्रांस है, जो 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 61 मेडल जीत चुका है। वहीं नंबर 4 पर जापान आ गया, जो 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 43 मेडल जीत चुका है। वहीं नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है, जो 18 गोल्ड, 18 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 50 मेडल जीत चुका है। वहीं नंबर 2 पर यूएसए है, जो 37 गोल्ड, 42 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 121 मेडल जीत चुका है। वहीं नंबर 1 पर चाइना है, जो 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज की मदद से कुल 89 मेडल जीत चुका है। और वहीं पाकिस्तान 62वें नंबर पर है, जो 1 गोल्ड मेडल जीता है। और उसके बाद भारत 71वें स्थान पर चला गया, जो 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज की मदद से कुल पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीता है। तो दोस्तों, इसी तरह की ओलंपिक और आने वाले समय में क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।